पिरामिड मेडिटेशन चैनल हरियाणवी में आप सबका स्वागत अखंड ध्यान का सातवां दिन है, तो चलिए अब हम ध्यान शुरू करते हैं। तो संगीता मैम प्लीज। हाँ, हम सब अपने सुखमय आसन में बैठ जाएंगे। आराम की स्थिति, बेड पर, चेयर पर, सोफे पर, जहाँ आपको सुविधा लगती है, वहाँ पर आप आराम से बैठ जाइए। बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। आंखें बंद, हाथ में हाथ, पैरों को क्रॉस कर लीजिए। पूरे तरीके से शरीर ढीला, कोई तनाव नहीं। और आराम से अपनी आंखें बंद, हाथ में हाथ, पैरों को क्रॉस कर लीजिए और अपने चारों तरफ जो परम चेतन तत्व है उसकी मौजूदगी महसूस करिए। मेरे शरीर के चारों तरफ जो परम चेतन तत्व है उसकी मौजूदगी, उसकी ऊर्जा इस ब्रह्म मुहूर्त में अनेकों अनेकों अनंत तारों की, ग्रहों की ऊर्जा हमारे चारों तरफ मौजूद है। अपने ही शरीर के चारों तरफ वो परम चेतन तत्व धीरे धीरे मेरे चारों तरफ और थोड़ी सी उसकी दूरी पर फिर परम चेतन तत्व और पूरे ब्रह्मांड में परम चेतन तत्व फैला हुआ है और उसकी उपस्थिति, उसकी मौजूदगी महसूस करिए। जैसे परम चेतन तत्व पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, उसी तरीके से हम भी अखंड होते हुए पूरे ब्रह्मांड में अपनी उपस्थिति को महसूस करेंगे। शरीर ढीला, आंखें बंद, हाथ में हाथ, पैरों को क्रॉस कर लेंगे। मेरे चारों तरफ जितनी भी ब्रह्मांड की ऊर्जा है, मैं उस संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मेरी सांस आ रही है और जा रही है। अपने ही प्राणमय कोश जो हमारे शरीर का प्राणमय कोश बाहर से ब्रह्मांड की ऊर्जा, शुद्ध परम चैतन्य ऊर्जा हम अपने सांसों के माध्यम से अपने शरीर के भीतर ले रहे हैं और बाहर छोड़ रहे हैं।
बाहर से भीतर जाती हुई सांस और भीतर से बाहर निकलती हुई सांस। पूरे तरीके से जागरूकता। अनेक जन्मों में हम खंडित हो चुके हैं, लेकिन अब इस जन्म में, इस जन्म को हम अपना आखिरी जन्म बनाएंगे। अपनी सांस को आते हुए जाते हुए और उसी के साथ अपने आप को जोड़ते हुए मन शरीर कोई विचार आ रहा है तो फिर से अपनी सांसों के साथ जुड़ जाइए। अब हम महादेव और महादेवी, उनका आह्वान करते हैं कि वो हमें खंडता से अखंडता की ओर लेकर जाएं, आत्म प्रेम, आत्म ज्ञान और एक योगी की स्थिति में हम उनका नमन करते हैं। महावतार बाबा युक्तेश्वर गिरी जी, लहरी महाशय, परमहंस योगानंद जी और हमारे सूक्ष्म जगत के मास्टर्स, सूक्ष्म जगत के देवता हमारे इस अखंड ध्यान में भाग लेने के लिए आ गए हैं और उन्हीं के सानिध्य में हम अखंड ध्यान कर रहे हैं। पूरे तरीके से जागरूकता। हम स्वयं में भी उस आत्म तत्व से, परम चैतन्य तत्व बन रहे हैं। सूक्ष्म शरीरों की यात्रा हमारी शुरू हो चुकी है। जैसे पुराने वस्त्रों को हम छोड़ देते हैं, इसी तरीके से अखंड ध्यान में हम अपने भौतिक शरीर और फिर मन शरीर, कारण शरीर, इन शरीरों का त्याग करते जाना है और उसके बाद आखिर में विश्व में शरीर और निर्वाण में शरीर। मेरे चारों तरफ वो परम चैतन्य तत्व, उसकी उपस्थिति अपने चारों तरफ महसूस करिए। सांस आ रही है और जा रही है। पूर्ण तरीके से जागरूकता। कहीं भी शरीर का कोई ऐसा कोना ना रहे जहां पर ब्रह्मांड की ऊर्जा ना पहुंचती हो। बाहर से भीतर जाती हुई सांस और भीतर से बाहर निकलती हुई सांस, पूरा आनंद के साथ स्वयं में
परमात्मा की स्थिति। चेहरे पर आनंद स्वरूप। शरीर के भीतर कोई भी कण उस परम चेतन तत्व से अछूता ना हो। संपूर्ण जागरूकता। और ये सांसों की माला, बाहर से अंदर जाती हुई सांस और भीतर से बाहर निकलती हुई सांस। मेरा स्थूल शरीर पूरे तरीके से स्पंदन कर रहा है बाहर के परम चेतन तत्व के साथ, एक हो रहा है। प्राण शरीर सांस आ रही है और जा रही है। मन शरीर, मन शून्य हो गया है। कोई विचार आता है उसको जाने दे। कारण शरीर अनेक जन्मों में खंडित हो होकर मैं अनेक कारण शरीरों के साथ इस धरती पर आया हूँ, लेकिन अब इस जन्म को मैं आखिरी जन्म बनाऊंगा। जैसे अनेक ऋषियों ने, महर्षियों ने अपने जन्म को आखिरी जन्म बनाया, इसी तरीके से मैं भी अपनी कुंडलिनी से, कुंडलिनी यानी कि कण कण में जागरूकता, अपने इस जीवन को आखिरी जीवन बनाऊंगा। महाकारण शरीर आनंद मैं कोश अपने उस परम चेतन तत्व में स्थापित होना। आज्ञा चक्र, हम अपना ध्यान जब सांस लेंगे और जब छोड़ेंगे तो उस आज्ञा चक्र की तरफ भी, जहां पर हमारी तीसरी आंख महादेव और महादेवी, उसी तरीके से हमारी भी तीसरी आंख सांस आ रहा है और जा रहा है। हमारे सांसों के माध्यम से हमारी तीसरी आंख दिव्य चक्षु, उसका प्रकाश बाहर के ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ मिल रहा है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। मैं सत्चित आनंद स्वरूप हूँ। संपूर्ण जागरूकता के साथ, भीतर के अपने दिव्य प्रकाश के साथ मैं अखंड हूँ। Thank you.
Thank you.
Thank you.
अपनी ही सांसों के साथ जुड़े रहेंगे। अपनी ही सांसों के साथ पूरे तरीके से चैतन्य स्वरूप, आनंद स्वरूप, ब्रह्म तत्व स्वरूप की स्थिति और कण कण में उस ऊर्जा के प्रवाह को एक मिनट के लिए पूरे तरीके से अपने शरीर के भीतर जांचिए। अपने भीतर इन सांसों की ऊर्जा को कण कण में महसूस करिए। अपने चारों तरफ जो परम चैतन्य स्वरूप ब्रह्मांड की ऊर्जा इस ब्रह्म मुहूर्त में विद्यमान है, उसको भी महसूस करिए, ताकि हम विश्व में शरीर अपने ही उस शरीर को एक्सपैंड कर सकें। सबसे पहले अपने शरीर के चारों तरफ और फिर धीरे धीरे अपने शरीर से दूर होते हुए जैसे एक बिंदु से हम धीरे धीरे जैसे सूरज की किरणें फैलती हैं, इसी तरीके से अपने इस चारों तरफ के परम चैतन्य ऊर्जा को धीरे धीरे वो किरणें जैसे फैलती है, ऐसे ही उस ऊर्जा को महसूस करते जाइए। और जैसे पूरी धरती के ऊपर ये पूरा ऊर्जा का स्रोत है, हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, हर पत्ते, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, अपने शरीर से ऊपर, अपने शरीर से नीचे, अपने शरीर के चारों तरफ हर चीज के साथ वननेस, फ्लावर ऑफ लाइफ, जैसे हम जन्म लेते हैं तो एक कोशिका से अनेक कोशिकाएं बन के पूरा शरीर बनता है, इसी तरीके से हम अखंड ध्यान के सभी मास्टर्स और धीरे धीरे विश्व के सभी मास्टर्स के साथ
एक हो रहे हैं। आपके शरीर से वो प्रकाश निकल के बाहर की तरफ फैल रहा है। और ये प्रकाश पूरी धरती पर फैलते हुए पूरे ब्रह्मांड में आप और आपके साथ अनेकों अनेकों मास्टर्स, उनकी ऊर्जा के साथ आपकी ऊर्जा एक हो रही है। चारों तरफ मौजूद हमारे ऋषि मुनियों की ऊर्जा और हमारे भीतर से निकलते हुए प्रकाश की ऊर्जा विश्व में शरीर और फिर निर्वाण में शरीर जैसे एक बीज है और फिर वो पेड़ बनता है, पेड़ पर फल लगता है, फिर बीज बनता है और फिर बीज से हजारों हजारों पेड़ बन जाते हैं। इसी तरीके से हम स्वयं में भी परमात्माएं अनेक अनेक लोगों की यात्रा करके संपूर्ण आत्मा बनकर किसी दूसरे व्यक्ति को भी संपूर्ण आत्मा बना देते हैं। जैसे एक बीज से अनेकों अनेकों बीज बन जाते हैं, इसी तरीके से महात्मा बुद्ध, जिन्होंने कितने ही लोगों को निर्वाण दिया, आप भी स्वयं में परमात्मा हैं और कितने ही लोगों को परमात्मा बना देंगे। प्रजापति और प्रजा, आप प्रजापति हैं, खंड से अखंड शरीर के एक एक कोशिका से आपकी रोशनी शरीर से बाहर निकल रही है। सांस मेरा गुरु है, प्रकृति मेरी गुरु है। और मैं पत्थर जगत से पौधे जगत की यात्रा करते करते, पशु जगत की यात्रा करके, मनुष्य जगत की यात्रा करके, अब मैं परम आत्मा होकर अनेक लोगों की यात्रा करने जा रहा हूँ। दस, नौ, आठ, सात, छ, पाँच, चार, तीन, दो, एक, शून्य। आराम से अपने दोनों हाथों को उठाकर अपने चेहरे पर रखिए
और धीरे धीरे पूरे शरीर में चैतन्यता महसूस करते हुए अपने हाथों की ऊर्जा अपने पूरे चेहरे को देते हुए अपना समय लेते हुए हाथ हटाइए और आंखें खोलिए। ताली बजाएंगे, अच्छी तेज तेज ताली बजाइए। हम वहीं से आए हैं, आत्मलोक से, जैसे कि मैम बता रही थी। यहाँ की धन संपदा, मान सम्मान, ये कुछ भी नहीं है। तो उसी की कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। कॉन्शियसनेस को लेकर जो चेतना 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 चेतना, बस हम ये सोच रहे हैं कि ये चेतना कैसे समझ आएंगे और कैसे हम चेतन बन जाएंगे, शाश्वत बन जाएंगे, कैसे बने इसी लाइफ में। नेक्स्ट लाइफ नहीं चाहिए, नेक्स्ट लाइफ में हम कुछ और करेंगे। तो कॉन्शियसनेस का जो हम कॉन्टिन्यूसली लगातार जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, उसमें कल हमारा जो टॉपिक था वो था इवोल्यूशनरी प्रोसेस या इवोल्यूशनरी साइकिल्स। धीरे 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 करके हर नेचर की वस्तु आगे बढ़ती है, उसका विकास होता रहता है। और जब उसका विकास होता रहता है तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, हम बोल देते हैं कि डायनेमिक नेचर, कि आप क्षण क्षण बदल रहे हो। तो अगर हम क्षण क्षण बदल रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम कहाँ आ गई है? प्रॉब्लम वहां आ गई है जहां हम कल बात कर रहे थे कि हम अपनी ईगो के साथ कनेक्ट होने लगते हैं। अब हम पल पल बदल रहे हैं, हमें पता है अंदर से कि हम पल पल बदलते हैं, और उसी को जब हम क्वांटम वर्ल्ड में या इस चेतना के संसार में, इस चेतना के संसार में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं हमारे साथ कि जो घटना घटती है उसका हम एक अनुभव प्राप्त करते हैं, जिसको बोलते हैं कि हम चेन ऑफ एक्सपीरियंसेस, चेन ऑफ एक्सपीरियंसेस, चेन ऑफ इवेंट्स, वो इवेंट बन जाता है। और उसके बाद जब हम, जो हमने कल बात की कि हम एक डिजायर करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं और उसके बाद विजडम ग्रहण कर लेते हैं, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, प्रज्ञा आ जाती है। तो हमारे पास जो चेन ऑफ एक्सपीरियंसेस है उसको करते करते, हम अपने अनुभवों से करते करते हम एक ज्ञान जब प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद हम उसको छोड़ना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि जो हम एक बार हमने जो अनुभव कर लिया चेन ऑफ एक्सपीरियंसेस में, उसके बाद फिर हम उसको छोड़ना चाहते हैं और छोड़ भी देते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हम छोड़ देते हैं, मान लो हम रोज एक ही तरह की सब्जी खाते हैं तो हम बोर हो जाते हैं, एक ही जैसा गाना सुनते हैं बोर हो जाते हैं, ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं तो बोर हो जाते हैं, ज्यादा हम प्रापंच जीवन में जाते हैं तो झगड़े बढ़ जाते हैं, बोरिंगनेस आ जाती है और हम उस चीज को छोड़ने लगते हैं। तो फिर हमारी च्वाइसेस आ जाती है, च्वाइसेस, हमारे चेन ऑफ एक्सपीरियंसेस के बाद हम च्वाइसेस लेते हैं। जैसे जो बुक है कल हम जिसकी बात कर रहे थे कि सेल्फ अवेयर यूनिवर्स,
और एक डॉक्टर अमित गोस्वामी का जो पुस्तक क्वांटम डॉक्टर सी द वर्ल्ड एज ए फाइव लेयर्ड केक, तो इसको जब हम पढ़ रहे थे तो इसमें आया कि आपकी जो चॉइसेस हैं, चेन ऑफ एक्सपीरियंसेस हैं, आपका जो चेतना का विकास होता है तो चेन ऑफ एक्सपीरियंसेस में के माध्यम से वो होता है और फिर आपकी चॉइसेस बनती हैं। तो उसमें एक उदाहरण दिया उन्होंने कि आप एक आइसक्रीम खाते हैं, दो आइसक्रीम खाते हैं, तीसरे तरह के आइसक्रीम खाते हैं, अलग अलग तरह के जब आप अनुभव लेते हैं, उसके बाद जब आप बिल्कुल चेन ऑफ एक्सपीरियंसेस चॉइस कर आप एक्सपीरियंसेस करते करते आपको लगता है बस इट इज एनफ, ये बहुत हो गया, उसके बाद फिर आपके पास जब आप जब किसी शॉप पे जाते हैं आइसक्रीम की शॉप पे, फिर आपके पास चॉइसेस आते हैं, ये भी टेस्ट किया, ये भी टेस्ट किया, ये भी टेस्ट किया, अब मैं कसाटा आइसक्रीम मेरे को पसंद आएगी, आज मैं कसाटा आइसक्रीम खाऊंगा, तो फिर आपकी चॉइसेस बनने लगती हैं जब आप अपनी एक्सपीरियंसेस को ग्रहण कर लेते हो। अच्छा आज मैंने एक ऑरेंज आइसक्रीम का टेस्ट किया, कल आप कहेंगे कि मैंने चॉकलेट आइसक्रीम का, लेकिन इन सब आइसक्रीम में से अब मेरे को सब ये टेस्ट पता लग गए, अब मेरे पास एक चॉइस आ गई। तो सेम इसी तरीके से जब हम इस जीवन में इस धरती पर यहाँ पर एक जीवन लेकर आते हैं तो उसमें कुछ कुछ चीजों की हमारी डिजायर्स बच जाती हैं और कुछ चीजों की डिजायर्स खत्म हो जाती है। तो डिजायर्स जैसे जो चीज खत्म है, मान लो कि मुझे मटेरियलिज्म का बिल्कुल शौक नहीं था बचपन से, बिल्कुल रत्ती भर भी मुझे ऐसा लगता था जैसा कमरा है ओके, जैसा खाना है ओके, जितना पैसा है ओके, जैसी जॉब है ओके, तो नो इंटरेस्ट। तो उसको अब मेरे अगर सराउंडिंग में, मेरे रिलेशनशिप में मेरे ब्रदर हैं, सिस्टर्स हैं, उनका ऐसा नहीं है जैसा मैं हूं, क्यों? क्योंकि वो उन डिजायर्स को, उन डिजायर्स के माध्यम से उन अनुभवों को वो लेना चाहते हैं जो मैं ऑलरेडी प्राप्त कर चुकी हूं। तो यहां पर इस चेतना के सागर में जो हम सब लोग रहते हैं उसी को क्वांटम वर्ल्ड में बोल दिया गया कि क्वांटम कोलैप्स करके, कि आप कोई भी डिजायर जब करते हो तो एक घटना घटित होती है, कोलैप्स हैपन करता है। कहां पर, कहां पर होता है वो? हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड में जो हमें दिखाई देता है वो तो बाद में आता है, उससे पहले हमारे ब्रेन के अंदर, हमारे एक्सपीरियंसेस के अंदर वो घटित होने लगता है। इसीलिए आज की जो साइंस है वो ये कहने लगी कि देखो हम वी आर नॉट मैटर, हम मैटर नहीं है, हम स्थूल नहीं है, वी आर एनर्जी बींग्स, वी आर कॉस्मिक बींग्स। एनर्जी बींग्स मतलब कि आप एक ऊर्जा से बने हुए हैं और ऊर्जा एक जगह स्टेग्नेंट नहीं रहती है, वो बदलती रहती है। तो वेव्स ऑफ पॉसिबिलिटीज का उन्होंने एक शब्द दे दिया कि वी आर मेड अप ऑफ पॉसिबिलिटीज। हम हर क्षण जब बदलते हैं तो अलग अलग अनुभवों में से निकलते हुए हम पॉसिबिलिटीज हैं, हम एक, हम ऐसा नहीं है कि हम स्थिर हैं, हम वैसे ही पैटर्न को लेके सेटअप करके और एक जिंदगी को हम वैसे ऐसे ही निकालते रहे। तो वेव्स ऑफ पॉसिबिलिटीज में ये आने लगा कि जो हमारा विज्ञान है, जो डॉक्टर्स हैं, वो एक पेशेंट को समझा सकते हैं कि देखो तुम अपने पैटर्न्स को बदल सकते हो, तुम अपने जो तुम्हारे बीमारी है तुम उसको सही कर सकते हो, क्योंकि तुम वेव्स ऑफ पॉसिबिलिटी में से एक पॉसिबिलिटी को चुनकर हम चिपक जाते हैं। तो अब मान लो कि दो वर्ल्ड हैं हमारे, एक वर्ल्ड है, एक तरफ हमारा वर्ल्ड है द वर्ल्ड ऑफ वननेस, एक वर्ल्ड है कि वर्ल्ड ऑफ सेपरेटनेस, हैं दोनों चीजें इकट्ठी, लेकिन हम उसको सेपरेटनेस में जब डालते हैं तो उन्होंने ये कह दिया कि जो वेव्स ऑफ पॉसिबिलिटीज है, यानी कि जहां पे वननेस में से हमने एक चीज चुन के उस एक्सपीरियंसेस को लेकर हमने अपनी चॉइसेस के माध्यम से उसको अलग कर लिया, तो वो वेव से पार्टिकल बन जाती है। बहुत टाइम लगा इसको समझने में
कि जब आप एक मान लो एक पूरी वेव जा रही है उसमें से थोड़ा सा पोर्शन कट करके और उसको हम नाप लेते हैं, जैसे कल हम रिसर्च की बात कर रहे थे, इतनी इतनी रिसर्चेस होती हैं और उसमें हम उस पर्टिकुलर चीज को चुनकर हम एक एक चुनकर हम उसका रिसर्च करते हैं, तो वो एक पार्टिकल में डेवलप हो जाती है कि अच्छा अब आपका ब्लड ऐसा है, ब्लड का ये पैमाना है, आपका खून इतना है, आपके अंदर आरबीसीज इतने हैं, डब्ल्यूबीसीज इतने हैं, एक पर्टिकुलर चीज को लेकर हम एक सेपरेटनेस के वर्ल्ड में खड़े हो जाते हैं। जैसे कल ईगो की बात की थी, बात ईगो की भी है और बात साथ में है कि हम किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर हम उस पैटर्न में ही घुसते चले जाते हैं और वो चीज हम सोचते हैं ये मेरी द्वारा बनाई गई है या मैं ही इस का निर्माता हूं और मेरी ही ये सब चीजें मेरे हिसाब से ही चल रही हैं, तो हम उस सेपरेटनेस वर्ल्ड में हम अलग से रहने लगते हैं। और जो वननेस का पार्ट है, जो एक सत्य का पार्ट है, जो ट्रूथ है, एब्सोल्यूट है, जिसको हम इटर्नल बोलते हैं, उससे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। अब क्या होता है कि हमारे अंदर वो जो कोलैप्स सिस्टम है, मतलब कि हम अपने अनुभवों को बार 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 बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं और सीखते रहते हैं, सीखते रहते हैं, और सीखने के बाद फिर हम अपनी चॉइसेस पे आ जाते हैं, और चॉइसेस के बाद एक टाइम ऐसा आता है कि हम उससे भी बोर होके हम उसको छोड़ देते हैं। चॉइसेस मतलब कि आप जब अनुभवों से निकलते हैं तो फिर आपके सामने कितने बिस्किट रखे हो, कितने ही आपके पास टॉफीज हो, चॉकलेट हो, आइसक्रीम हो, आप उसमें से कहेंगे हाँ हाँ ठीक है मैंने टेस्ट किया, ओके अब मैं एक चीज इसमें से लूंगा, और हो सकता है ना भी ले लो, फिर हमें हमारा दिल करते कि नहीं हमारा दिल मेरा दिल नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि आप उन अनुभवों में से निकलते 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 आप बहुत सारे अनुभवों को निकलकर अपनी उस चेतना का विकास करने लगते हैं, जिसको एक पूरा वर्ल्ड दे दिया गया, पूरा वर्ल्ड दे दिया ह्यूमन इवोल्यूशन। धीरे 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 हम बढ़ते बढ़ते उन च्वाइसेस को भी छोड़ने लगते हैं, इट्स ओके अभी नेक्स्ट। जैसे हमारी इच्छाएं बढ़ती हैं कि हम एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी, अपने उस आध्यात्मिक जीवन में भी हम अलग अलग स्टेप्स को सीखते हैं, जैसे कहीं पर हम क्रिस्टल हीलिंग सीखते हैं, कहीं पर हम चैंटिंग सीखते हैं, कहीं पर हम मेडिटेशन की टाइप सीखते हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हैं, हम अपने अपनी सोल को अलग अलग तरीके से सीखना चाहते हैं, इवॉल्व करना चाहते हैं कि ओशो ने क्या कहा, कबीर ने क्या कहा, दादू ने क्या कहा, रुडोल्फ स्टीनर ने क्या कहा वो, लेकिन बाद में जब क्रक्स ऑफ द स्टोरी बाहर निकल के आता है तो पता लगता है कि अरे ये तो सारे ब्रह्मांड के सिद्धांत थे जो सबने अपने अपने तरीके से इनको बयान किया, अपने अपने अनुभवों के अकॉर्डिंग बताना शुरू किया, लेकिन जो प्रिंसिपल है वो टस्सिम मस नहीं हुआ। बहुत सारे जो लोग हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस में अपना कमर्शियलाइजेशन, अहंकार, अपना सेल्फ, बहुत सारी चीजें वहां पर जाके रुक जाती हैं और वो लिमिटेडनेस में आके उनका ग्रोथ भी रुक जाता है। तो क्वांटम कोलैप्स एंड कॉन्शियसनेस, यानी कि आप अपने अंदर ही अंदर, आपके अंदर घटनाएं घटती रहती हैं, आप बदलते रहते हो। एक टाइम ऐसा आता है कि जहां पे आप सोचते हो कि अरे ये तो मैंने पहचान लिया, लेकिन 10 साल के बाद क्या करते हैं कि 10 साल के बाद हम खुद ही बदले हुए होते हैं, हम खुद ही बदले। अच्छा मैं 10 साल पीछे मुड़ के देखो तो मैं 10 साल पहले ऐसा नहीं था जैसा मैं आज हूं, क्यों? क्योंकि हम बदल रहे होते हैं, तो हम अपने उस बदलते हुए स्वरूपों के माध्यम से चेतना के विकास को अपने अंदर महसूस करते हैं। एक मैं बायोग्राफी पढ़ रही थी एर्विन लैस्लो की, जो पियोनिस्ट हुए,
और उन्होंने उनकी जब बायोग्राफी पढ़ रही थी तो सुन रही थी मैं यूट्यूब के ऊपर, एर्विन लैस्लो, अगर आप सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो वो क्या कहते हैं, वो एक इंटरव्यू में गए और ग्रेग ब्रेडन की आपने यूट्यूब पे वीडियो सुनी होंगी, तो वंडरफुल वंडरफुल वीडियोज हैं उनकी, ग्रेग ब्रेडन के, आज से बहुत साल पहले, लगभग 15 years back हो गए होंगे जब ग्रेग ब्रेडन को मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम पढ़ा था, जब वो खुद अपनी सेल्फ हीलिंग से, अपनी किसी बीमारी से वो बाहर आए थे। तो मैं बहुत बड़ी फैन बन गई थी उनकी जब मैंने उनकी एक बायोग्राफी को पढ़ा, ग्रेग ब्रेडन की। तो उन्हीं के इंटरव्यू में ये एर्विन लैस्लो आए हुए थे, तो उनसे पूछने लगे, उनको क्वेश्चन किया कि क्या आप हमारे इंटरव्यू में आएंगे, हम आपकी कुछ सीरीज करना चाहते हैं। तो अब कॉन्शियसनेस की बात आ गई, तो उनका एक पुस्तक है व्हाट इज रियलिटी बियॉन्ड योर फिजिकल, ऐसे करके एक पुस्तक है एर्विन लैस्लो का। तो उन्होंने कहा कि मैं क्यों जाऊं, फर्स्ट आंसर उन्होंने कहा कि मैं आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाला बंदा हूं। उन्होंने कहा कि पहले अपने अंदर अपने आप को जानो, पहचानो कि तुम क्यों जाना चाहते हो, क्या बोलोगे वहां पर। उन्होंने कहा, ग्रेग ब्रेडन ने, कि आप जो है अपनी लेगेसी, जो आपने अपनी एनलाइटनमेंट को प्राप्त किया, तो उसको उसको हम जानना चाहते हैं कि आप कितनी अलग अलग इवेंट्स ऑफ एक्सपीरियंसेस से निकलकर आप एनलाइटेंड हुए। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहला सवाल आप अपने आप से पूछिए, हु आर यू, आप कौन हैं। तो एर्विन कहने लगे कि मैं, मेरे से पूछा गया तो मैंने कहा कि अंदर ही अंदर मैंने जवाब दिया कि मैं क्यों जाऊं वहां पर, और मैं जाकर वहां पर बोलूंगा क्या, क्या करूंगा मैं। तो उन्होंने इसी बात से हम लोगों को भी एक संदेश दिया कि तुम सबसे पहले जो अपनी लिमिटेड इंफॉर्मेशंस हैं, जो आपके चारों तरफ समाज में, आप उन इंफॉर्मेशंस को लेकर अपनी प्रॉब्लम को सुधारना चाहते हैं, या आप दूसरों से सुनकर अपनी इवोल्यूशन चाहते हैं, कॉन्शियस चेतना का विकास चाहते हैं, ये आप गलत करते हैं। गलत इन द सेंस, वो चाहते हैं कि तुम खुद इवॉल्व हो, खुद अपनी कॉन्शियसनेस चेतना के विकास को खुद कर। तो उन्होंने कहा कि आउट ऑफ द बॉक्स जब आप जाते हो तब आपको पता लगता है कि आप, आपका उत्तर क्या आने वाला है आपके पास खुद का। तो ऐसे मैंने कई बार एक ही वीडियो को कई बार सुना उनके, क्योंकि कहते ना मन नहीं भरता, तो मैं बार बार उनका एक वीडियो सुनती रही और पीछे एक म्यूजिक बज रहा था क्योंकि पियानिस्ट हैं वो। तो इतना अच्छा लग रहा था कि जब मैं उनका वो वीडियो सुन रही थी, तो उन्होंने कहा कि व्हाट इज रियलिटी, व्हाट इज रियलिटी मतलब सही में आप कैसे उस सृजन को समझेंगे यहाँ पर, अपने जीवन की सृजनता और इस प्रकृति की सृजन को कैसे समझेंगे। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें बाहर से कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करनी है, आप अपने अंदर अपना उत्तर आपके पास खुद के पास होता है, लेकिन हम बाहर ढूंढने लगते हैं। तो उनको सुनते सुनते ये बात समझ में आई कि हम बहुत बार दूसरों से इंफॉर्मेशन लेते हैं, इंफॉर्मेटिव नॉलेज, उन्होंने कहा कि आप इंफॉर्मेशन से इस पूरे नेचर की जो डेवलपमेंट है उसमें भी हम कहीं ना कहीं हर्डल डालते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो उत्तर है, हमारी जो कॉन्शियसनेस है अंदर की, हमारी कॉन्शियसनेस इतनी इंटेलिजेंट है, मतलब वो इटर्नल है, और वो ये कहते हैं कि आपके पास उसका उत्तर खुद के पास होता है, लेकिन हम उसको बाहर ढूंढते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ओके, मैं जाऊंगा और जाकर मैं इंटरव्यू दूंगा। तो उन्होंने कहा कि मैंने डिसाइड किया कि मैं क्यों जाऊं, और अगर मैं जा रहा हूं
तो मैं क्यों, क्या रीजन है कि जिसकी वजह से मैं जाकर ये सीरीज ऑफ इंटरव्यू अपनी ही उस एनलाइटनमेंट की लीगेसी के बारे में मैं दूंगा। तो जब उनसे वहां पर सवाल पूछे गए तो सवाल पूछते हुए उन्होंने ये कहा कि आपके जो इवेंट्स हैं जीवन के, जो आपकी रोज हर मोमेंट टू मोमेंट क्षण क्षण आप जब बदलते हैं और क्षण क्षण जब आपके अंदर वो बदलाव आता है और आप अपने उस फिजिकल रियलिटी में भी बदलाव करते हैं, तब आप इवोल्यूशनरी प्रोसेस को समझिए कि हाँ आप सफल हो रहे हैं। तो अब बात फिर से वहीं पर आ जाती है कि हम अपने जीवन में अपने ही तरीके से, अपनी ही कॉन्शियसनेस के माध्यम से, अपनी चेतना शक्ति से हम किस प्रकार से अपने आप को इवॉल्व कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंडिविजुअलाइज्ड सोल, ग्रुप सोल्स और एक इंडिविजुअल सोल, जो हमारे अंदर वो कॉन्शियसनेस का जो पूरा समूह है जिसको हमें एक्सपेंड करना है, उसको तुम्हें खुद ही करना है, कोई और नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा कि आउट ऑफ द बॉक्स जाकर आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। तो अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आप किताबों में उस इंफॉर्मेशन को लेते रहेंगे और अनुभवों से परे हो जाएंगे। तो उनका जब ये पियानो वाली बात सुन रही थी, तो उनके जो माँ थी वो भी पियानो बजाती थी, तो उन्होंने कहा कि एक आपके अंदर रिलेशनशिप रेजोनेंस, उन्होंने एक शब्द दिया कि जो बाहर का एनवायरनमेंट है, वो एनवायरनमेंट आपको ये लगता है कि मैं उस एनवायरनमेंट को देखते हुए अपने आप को जब मैं बदलता हूं तो एनवायरनमेंट भी अपने आप बदलने लगता है। मतलब उन्होंने इतना सूक्ष्मता से बताया कि जैसे जैसे आप बदलते हो आपको चीजें भी बदलती हुई दिखाई देने लगती हैं। क्यों? क्योंकि आपके चारों तरफ जो फील्ड एरिया है, उन्होंने फील्ड वर्ड भी बताया है व्हाट इज रियलिटी में, कि जो फील्ड है आपका, जो आपका चारों तरफ इनविजिबल फील्ड है, यानी कि जो कॉन्शियसनेस का सागर है, उसमें आप जब जैसे जैसे आप बदलते हैं, अपने आंसर्स को खुद ढूंढते हैं, तो बाहर का जो वर्ल्ड है वो भी धीरे धीरे इंटर रिलेशनशिप में बदलने लगता है। है थोड़ा गहरी बात है, लेकिन बात इतनी हमें समझनी है, सिद्धांत ये समझना है कि आपका उत्तर आपके अंदर है, और अगर हम गलती भी करते हैं तो पॉसिबिलिटीज के माध्यम से हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि एक पॉसिबिलिटी, एक चीज को हमने अनुभव कर लिया, अब हम चलो छोड़ो इसको, हम अगले अनुभव की तरफ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर चेन ऑफ एक्सपीरियंसेस की तरफ हम आगे बढ़ते बढ़ते हम वहां पे फिर उन चीजों को धीरे धीरे चॉइसेस के बाद हम छोड़ देते हैं, जहां पे हमारे पास ज्ञान आ जाता है। तो ये एक पूरा चेन ऑफ सिस्टम है। वो कहते हैं कि यू जस्ट थिंक होलिस्टिकली, उनका एक बहुत प्यारा सा कोट है, थिंक होलिस्टिकली। वो ये कहते हैं कि तुम अपने लिए सेल्फ के लिए मत सोचो, तुम अपने लिए नहीं, तुम इस पूरे फील्ड एरिया के लिए नेचर के साथ एक रिलेशनशिप डेवलप करते हुए अपनी उस थॉट को बनाओ। फिर इधर उन्होंने कहा कि दैट इज योर क्वांटम थॉट। क्वांटम थॉट का मतलब एक ऐसी एनर्जी जो बदलाव ला रही है, मीनिंगफुल बदलाव ला रही है, मीनिंगफुल कोइंसिडेंसेस। उन्होंने कहा कि एक ऐसा विचार जो आपकी मीनिंग्स लिए हुए है और उससे कुछ अच्छा अर्थ निकल के बाहर आ रहा है, तो मीनिंगफुल कोइंसिडेंसेस का शब्द उन्होंने दिया कि जब आप कोई भी एक विचार लाते हैं वो मीनिंगफुल होना चाहिए। तो इधर हमारे जो वेद हैं, शास्त्र हैं, वो भी यही बोलते हैं
कि आप जैसा सोचते हैं, जैसा बोलते हैं, जैसा करते हैं, त्रिगुण शुद्धि आपकी एनलाइटनमेंट के लिए, आपकी चेतना के लिए बहुत जरूरी है। त्रिगुणात्मक शुद्धि उन्होंने कहा, त्रिकरण शुद्धि, जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप बोलते हैं और जैसा आप करते हैं। सेम यही बात अब उन्होंने अपने तरीके से बता दिया कि आपका जो मीनिंगफुल थॉट है, मीनिंगफुल कोइंसिडेंसेस हैं, इसी को एनर्जी का एक बंडल बोला गया कि बंडल ऑफ एनर्जी, मतलब आपके पास एक ऐसी एनर्जी, ऐसा थॉट इकट्ठा हुआ कि जो मीनिंगफुल बदला और आपके जीवन में बदलाव आ गया। अब अगर हम इसको थोड़ा अलग हटकर देखें और एक जनरल व्यक्ति की तरह बात करें, तो हम कितने थॉट्स डॉक्टर जो डिस्पेंजा की जो बुक है यू आर ए प्लेसिबो, उसमें वो ये कहते हैं कि मोर देन 65 to 70,000 थॉट्स एक दिन में आते हैं, और जब वो थॉट्स आते हैं तो उसमें से फिल्ट्रेशन होता है। आप कितने थॉट्स को आप मैनिफेस्ट कर पाते हैं दिन में, तो कितने थॉट, एक थॉट, दो थॉट, और फिर से वही पुराने थॉट्स आपके रिपीट होते रहते हैं। तो आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर वैसा ही होता है क्योंकि जैसा आप सोच रहे होते हैं। लेकिन इधर उन्होंने कहा कि आपके मीनिंगफुल कोइंसिडेंसेस, योर क्वांटम थॉट, योर क्वांटम थॉट मतलब कि ऐसा बंडल ऑफ एनर्जी, जिस ऐसा विचार जिसकी शक्ति से आप एक मीनिंगफुल अपनी लाइफ का इवेंट बनाते हो, और ऐसा मीनिंगफुल इवेंट जो आपके जीवन में एक विकास लाता है, बदलाव लाता है। तो क्वांटम थॉट क्या मतलब हुआ कि ऐसा एक एनर्जी, ऐसा हमने एक एनर्जी, एक ऐसी पोटेंशियलिटी डाली अपने विचारों में जिससे एक अर्थ निकला, और वो अर्थ एक मीनिंगफुल था, और मीनिंगफुल से हमने उसको मैनिफेस्ट कर लिया। उसी को उन्होंने साइंस ऑफ मैनिफेस्टेशन बोल दिया कि दिस इज द साइंस ऑफ मैनिफेस्टेशन, कि एक विचार से बदल कर आपने उसको कर्म कर्म बना दिया, मैनिफेस्ट कर दिया, और आपके जीवन में बदलाव आ गया। है थोड़ा गहरा लेकिन है बहुत अच्छा, क्योंकि हमारा जो वो फिर वही ब्रह्मा जी का जो पहिया है, मतलब कि जो चेतना का पहिया है, उसमें हम जागृत होते चले जाते हैं। हम जैसे जैसे जागृत होते हैं, हमारे विचारों की गति अपने आप रुकने लगती है, जिसको हम बोलते हैं आंखें बंद करिए और अपनी सांसों के साथ रहिए और अपने मन को शून्य करिए। ये तो आंख बंद करके तो शून्यता निश्चित तौर पे आ जाएगी, लेकिन जैसे जैसे आप साइंस ऑफ मैनिफेस्टेशन, आप उस उसको अपनी धरातल पे जब उतारोगे उस विज्ञान को, तो फिर आपका मन स्वतः ही खाली हो जाएगा, वो एम्प्टीनेस आपको अपने आप आ जाएगी, क्योंकि आप एक विचार को उस मीनिंगफुल उसमें आप कन्वर्ट कर रहे हैं। उस विचार, क्या ये विचार मेरे को कुछ अर्थ दे रहा है? जब ऐसे ऐसे आपके अंदर से इस तरह का इंसिडेंट्स बनने लगेंगे, इवेंट्स बनने लगेंगे, तब आपका जो मन है और जो ब्रेन है, वो कहते हैं ना ब्रेन एट रेस्ट, है ना, तो ब्रेन एट रेस्ट हो जाएगा, जिसको आज की साइंस में बहुत इम्पोर्टेंट बताया गया है कि आप अपने दिमाग को शांत रखिए। अगर हमें मेंटल डिसऑर्डर से दूर होना है तो अपने मन को कैसे शांत रखेंगे, अपने ब्रेन को रेस्ट कैसे देंगे। फिर हम बात करते हैं हार्ट अवेकनिंग की, तो हार्ट अवेकनिंग एक अलग स्टेप है, लेकिन आपका जो मीनिंगफुल थॉट्स हैं, वहीं से फिर साइकोलॉजी के कुछ हमारे साइंटिस्ट हुए, उनका उन्होंने कुछ सब्जेक्ट्स को जन्म दिया और उन्होंने एक थ्योरी बनाई, जैसे कार्ल जंग टाइपोलॉजी, उन्होंने एक थ्योरी बनाई कि वट एवर यू सेंस, आप सेंस करते हैं किसी चीज का, सेंसिंग आती है। हाँ, जैसे आप दो फ्रेंड्स बैठे हैं,
या आप घर में एक परिवार के साथ बैठे तो आप सेंस करने लगते हैं कि नहीं नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, सेंसिंग की फीलिंग आती है, क्योंकि आप जो कुछ देखते हैं आंखों से, जो भी कुछ सुनते हैं, आप उनको रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं, आपकी जो कोशिकाएं, आपकी कोशिकाओं के अंदर जो कॉन्शियसनेस है उसको सेंस करने लगती है, जहां पे आप एक विकास की गति पे और आगे बढ़ते हैं। तो सेंसिंग उन्होंने एक शब्द दे दिया, चार वर्ड दिए कि सेंसिंग, फीलिंग, थिंकिंग एंड इंट्यूशन, फोर वर्ड्स उन्होंने दिए कि हाउ यू सेंस। तो जो सेंसिंग है वो फिर एक नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, जब आप सेंस करने लगते कि अच्छा मैं ठीक कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, दूसरे व्यक्ति की भी पहचान आने लगती है कि सेंसिंग, आप सेंस करते हैं, जहां से सेंस ऑर्गन्स के बारे में जब हम आगे डिटेल में बात करेंगे कि आपकी आंखें जो भी कुछ ग्रेस्प करती हैं वो एक पर्टिकुलर इवेंट को ग्रेस्प करती हैं, जहां पर उसको बोल दिया गया है कि यू आर वेव्स ऑफ पॉसिबिलिटीज, यू आर जस्ट सेंसिंग दैट पर्टिकुलर मूवमेंट में आप एक इवेंट को सेंस करते हैं, दैट इज दैट बिकम्स द पार्टिकल। तो वो एक पर्टिकुलर उस समय के अनुरूप हम किसी घटना को देखते हैं, तो उसके बाद वो ही घटना कोई दूसरा व्यक्ति अगर देखता है तो वो एक अलग तरीके से सेंस करता है, एक अलग तरीके से अनुभव को प्राप्त करता है, मैं अलग तरीके से अनुभव को प्राप्त करती हूँ। तो इवेंट्स जो हमारे हैं अलग अलग, उस एक ही वेव के जो इवेंट्स हैं जिसको हम पार्टिकल फॉर्म में बदलते हैं, हर व्यक्ति अपने अपने अनुसार उन अनुभवों को ग्रहण करता है। तो उन्होंने एक बड़ा मतलब एक ऐसा उदाहरण दिया कि पानी में आप मतलब पत्थर डालते हो तो वेव्स बन जाती हैं, तो वेव्स आप देखते हो, तो इन दैट बियॉन्ड योर टाइम, बियॉन्ड टाइम का मतलब आप उसको नाप नहीं सकते, इतनी सारी वेव्स को हम नाप नहीं सकते, दैट इज द बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। लेकिन अगर उस पर्टिकुलर एक वेव के ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करने लगे, रिसर्च करने लगे, तो उसके छोटे से एरिया को पकड़ के हम उस पर्टिकुलर एरिया को पकड़ के हम रिसर्च कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से हमारे जीवन में जो हमारे सराउंडिंग्स में लोग रहते हैं वो अपने अपने तरीके से, अपने अपने तरीके और अनुभवों से उस पर्टिकुलर चीज को ग्रहण करते हैं और उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब हमें बात ये समझनी है, अब हम क्यों बात कर रहे हैं इस तरह की, या हम चेतना को किस प्रकार से समझना चाहते हैं, तो चेतना का विकास कैसे हो। तो चेतना का विकास होता है कि जो मैं एक आइसक्रीम खाकर जिसका मैंने अनुभव लिया, दूसरा व्यक्ति भी अगर सेम आइसक्रीम खाता है तो उसका अनुभव अलग है और मेरा अनुभव अलग है। तो हमें फिर एक सेटिस्फेक्शन की फीलिंग आती है, सेटिस्फाइड होते हैं कि ओके मेरा अनुभव अलग है, उसका अनुभव अलग है, फिर हमारी लड़ाइयां खत्म हो जाती हैं, जो हम जीवन भर एक समाज के साथ ऐसे लड़ाइयां करते रहते हैं, देखो उसके तो दिमाग ही नहीं है, वो तो ऐसा करता है, देखो वो ऐसा करता है, नहीं नहीं मैं तो ऐसा ही करूंगा क्योंकि मेरा अनुभव सबसे अच्छा है, मैंने अपने तरीके से बहुत अच्छा। कल एक बात हो रही थी, एक पेशेंट आया, उन्होंने कहा जी मैंने बहुत कोशिश की अपने घर को ना सही रखने की, मैंने बहुत कोशिश की, बार बार वो यही कहती रही कि मैंने अपने घर को बहुत अच्छा जी सेट किया, जी मैं रिटायर हो गई अब, तो मैंने अपने घर को बहुत कोशिश की, मैं सुनती रही सुनती रही सुनती रही, बिकॉज वो अपने, अब वो क्या जताना चाहती है आप बताओ, इस लाइन से आप खुद ही समझ जाएंगे, जी देखो मैंने बहुत अच्छे तरीके से अपने घर को बहुत कोशिश की, बहुत संभाला, पर फिर भी घर बिखर गया जी। तो आप इसको, आप इन दो लाइनों से आप समझिए कि क्या दूसरे जो लोग घर में हैं क्या उन्होंने संभाला नहीं होगा, या उस
लेडी ने समझने की कोशिश नहीं की कि वो घर कैसे चलता है, आप सुपरसीड कर रहे हैं या आप कहीं ऑथोरिटेटिव लाइफ को तो नहीं आपने बना दिया है, नहीं उसने बहुत बार रिपीट किया। सो अब कैसे बताया जाए उसको कि आप अकेले नहीं हो, चारों तरफ का जो फील्ड एरिया है वो आपके जो सराउंडिंग में जो आपके रिलेशनशिप्स हैं वो भी मैटर करती हैं, उनका भी रिस्पेक्ट करना जरूरी है, क्रिटिसिज्म नहीं करना है, जजमेंट्स नहीं करनी है, उसका उनका जो कॉन्शियसनेस का जो इवोल्यूशन है, उनकी जो विकास की दर है वो आपकी तरह नहीं है, वो विकास की दर धीरे है। तो हम फिर क्या करते हैं कि हम जो वेव्स हैं, वेव्स ऑफ पॉसिबिलिटीज हैं, ये विज्ञान हमें समझ आने लगता है अगर हम आंख बंद करके मेडिटेट करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, आपस में हम बात करते हैं, पुस्तकों को पढ़ते हैं, तब हमें ये बात समझ आती है कि हर एक व्यक्ति की, हर एक जीव की विकास की दर अलग अलग होती है। फिर हमारा क्रिटिसिज्म या जजमेंट बंद हो जाती है। तो अब वो बार बार, तो उसके हस्बैंड बहुत चुप बैठे थे, कुछ नहीं बोले। अब क्यों नहीं बोले होंगे वो, क्या रीजन होगा, क्यों चुप थे वो? तो हमें अब दो पक्ष से बातों को समझना पड़ेगा कि अगर एज ए डॉक्टर मैं उन दोनों को देख रही हूँ तो एक बिल्कुल चुप है और एक बोला ही जा रहा है, क्या समझे हम इस बात? तो अब बात आती है कि उस फील्ड एरिया की, कि हम एक पर्टिकुलर पैटर्न में ना जाएं, हम एक पर्टिकुलर चीजों को पकड़ के अपनी जिंदगी को जीना ना सीखें। कॉन्शियसनेस का जो हमारा चेतना है उसका विकास ऐसे नहीं होगा कि अच्छा जी हमने तो बस समझ लिया, अब बस हमने तो जी ये इंफॉर्मेशन ले ली, अब जी बस हमारी तो जिंदगी पलट गई और हम तो बस बहुत विकास की गति पे आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, साइंस ऑफ मैनिफेस्टेशन ये कहता है कि आपका विकास चारों तरफ से होना चाहिए, 360 डिग्री नॉलेज यू हैव टू गेन। पूरा इधर हमारे पाकिस्तान है, इधर हमारे चाइना है, तो हम क्या लड़े लड़के मर जाएंगे, हमने अपने दिमाग को खराब कर लिया? हमारे टेरिटरीज तो हमने खुद बना ले, नफरत की दुनिया हमने खुद रची, कोई और रचने वाला नहीं है। पेड़ बोलते नहीं है, पशु बोलते नहीं है, चींटियां बोल नहीं सकती, फिर कौन बोलने वाला है? ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन इवोल्यूशन। नफरत से देखते हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा है, कश्मीर ऐसा है और तमिलनाडु ऐसा है, वो ऐसा है, हमने बांट दिया सब कुछ। क्यों? क्योंकि हम उस वननेस और सेपरेटनेस को कभी समझ ही नहीं पाए कि ये दोनों डोमेन एक ही हैं, अलग नहीं है। वहां से निकल के एक उस वननेस में से हमारी जो चेतना है वो चुनती है, कॉन्शियसनेस चूजेस, वो चुनती है, कॉन्शियसनेस चेतना चुनती है। चेतना के साथ कौन मिलता है? आपका मनस, इंटेलेक्ट या बुद्धि, चलाकियां करते हैं। तो कलेप्स हुआ और कलेप्स से एक हमने गलत थॉट को रच डाला और फिर वो गलतियां कर बैठते हैं। तो कलेप्स हैपन होता है और एक्चुअल वर्ल्ड में देखते हैं कि इंसान अच्छा है बुरा है, फिर हम उसकी हमें पहचान आने लगती कि अच्छा देखो ये तो हमेशा बुराइयां कर, उठो यहां से, चलो हमें नहीं बैठना इसके साथ, हमें चॉइसेस आने लगती हैं फिर। ठीक, क्योंकि एक तरफ हम जो हमारा विकास का दर है उस विकास के दर को हम पहचानने लगते हैं, मुझे अब इसके साथ ग्रुप नहीं बनाना है, मुझे तो अलग रहना अच्छा लगता है, फिर हम एक साइलेंस मोड में जाते हैं, सीखते हैं उन चीजों को, फिर से वापस आते हैं। क्यों? क्योंकि अब हमें उस कीचड़ में, जैसे कमल की तरह ऐसे उस कीचड़ में रहना, इस सोसाइटी में रहकर ही हम अपनी साइंस ऑफ मैनिफेस्टेशन को पहचान सकते हैं, जान सकते हैं, यहीं पे रहना है। बट कैसे रहना है? अपनी कॉन्शियसनेस को इवॉल्व करने के लिए आपको बहुत सारी चीजों पे स्टेबिलिटी रोकना पड़ेगा, आपको रुकावट लानी पड़ेगी, नहीं नहीं अब मुझे ज्यादा नहीं बोलना है, अब मेरा जो थिंकिंग प्रोसेस है वो चेंज हो रहा है,
अब मुझे ऐसा नहीं करना है। अब जो मैं अपना समय वेस्ट करता था, अब मुझे अपना समय उन लोगों के साथ जाया नहीं करना जहां पर मुझे मेरी कॉन्शियसनेस को डिस्टर्बेंस मिलती है। नहीं, उतना बात करो जितना जरूरी है, दैट्स ऑल, कम बैक टू योर होम, अपने उस पिलर के पास वापस आ जाओ, पिलर टू पोस्ट, डोंट गो पिलर टू पोस्ट। हम अपने उस पिलर को छोड़कर, अपने अपनी ही कॉन्शियसनेस को छोड़कर दूसरों के सुलझेड़े लगाने में लगे रहते हैं, दूसरों को करते रहते, खुद अंदर से हम पता नहीं कैसे हैं। सो अपना भी इवोल्यूशन करना है और दूसरों की ऑटोमेटिकली, जैसे जैसे आपका फील्ड बदलेगा ऐसे ऐसे दूसरों का भी इवोल्यूशन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा कि ये इतना ही बोलती हैं, इतना ही बात करती हैं, बेकार की बात नहीं करती हैं, वहीं पे दूसरों का भी स्टॉपेज लग जाता है। तो सेंसिंग, हम सेंस करते हैं फीलिंग्स, फिर सेंसिंग के बाद आता है आपकी फीलिंग्स। आप फीलिंग्स कहाँ है? फीलिंग्स बाहर नहीं है, जो सेंसिंग में आपको फील होती है। कोई अगर आपको सेंसिंग में हाथ लगाता है, हाउ हम बार बार बात करते हैं, लव हार्मोन्स, हग द प्लांट्स, हग द ट्रीज, और आपके लव हार्मोन्स रिलीज होंगे जब आप हग करते हैं, प्यार प्यार से आप एक फिजिकली किसी को गले लगाते हैं, सेंस करते हैं। और कभी कभी जब आप गले लगाते तो आपको फीलिंग नहीं आती, आपको ऐसे सेंस नहीं आते, कहते नहीं, बहुत ही अंदर से आवाज आएगी, अच्छा नहीं था। तो वो क्या है, वो जो सेंसिंग है वो आपकी फिजिकल बॉडी को मैसेज देती है। फिर फीलिंग्स आती हैं, फीलिंग्स आपकी सटल बॉडीज, यानी कि आपकी जो अंदर की जो बॉडीज हैं, जिसको हम आगे डिटेल में बात करेंगे कि जो आपकी वाइटल बॉडी है, जहां पे आपकी ऊर्जा रहती है, ऊर्जा के अलग अलग पैमाने हैं, आजकल तो उसका भी मशीन आ गया है ऊर्जा को नापने का, तो अलग अलग पैमाने हैं कि आप उन पैमानों के आधार पे अपनी फीलिंग्स को जांच सकते हैं। एक थॉट आता है आपका, एक आया ऐसा फीलिंग आया कि मैं रोज ही, जैसे मेरे को एक फीलिंग आया था बहुत साल पहले कि सुबह जाओ शाम को वापिस आओ, जॉब 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 जॉब, क्या इसी काम के लिए मैं धरती पे आई? अंदर से खा रहा था मुझे, कई महीनों तक ये खाता रहा मुझे, यही ऐसा मेरे को अंदर से फीलिंग थी कि मैं सुबह उठती हूँ, बच्चों को स्कूल भेजती हूँ, उसके बाद मैं ऑफिस जाती हूँ, शाम को फिर वापस आती हूँ, फिर बच्चों को लेकर जाती हूँ, रात को थकी हारी 9 बजे आती हूँ, क्या यही लाइफ है? ऐसे बार 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 मेरे को ये, लेकिन पूछे किससे? कोई बताने वाला नहीं, वो कहेंगे दिमाग खराब हो गया है इसका, अच्छी भली नौकरी है, अच्छा परिवार है, फिर भी इसको सेटिस्फेक्शन। अब पूछने की शक्ति आप कहेंगे तो नहीं नहीं अपना काम से मतलब रखो, अपना ये काम करो वो काम करो, आप पूछ नहीं सकते किसी से। फिर आपको अपने अंदर की जर्नी जो हम जब ढूंढते हैं तब आपको पता लगता है कि अरे ये जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है जो मैं अभी तक करती रही। अब मुझे उस बड़ी जो वर्ल्ड ऑफ रियलिटी है उसको पहचानना है, फिर आप आगे बढ़ते हैं। ये है आपका इवोल्यूशनरी साइकिल जहां पे आप आगे बढ़ते हैं। छोड़ा धीरे धीरे, ये ऐसे पिल्लो ऐसे गलत रखा हुआ है, छोड़ दिया वो चीजें, पड़ा रहने दो पिल्लो को, क्या करना है उसको, ठीक है जैसे थोड़ा बहुत पड़ा है, संडे के दिन आप मैनेज करो, मैनेज योर रूम, और चीजें छोड़कर आप आगे बढ़ो जिंदगी में। डोंट सेट द पैटर्न्स, आप वही पैटर्न सेट करते करते फिर आप वहीं पे अपनी जिंदगी को खत्म कर लेते हो। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि आप अपनी जो आपका जो इवोल्यूशनरी साइकिल है, जैसे एर्विन लैस्लो के बारे में और जो अलग अलग तरह के जो साइंटिस्ट हुए,
इवन कि अगर आप धीरे धीरे उनकी वीडियोस देखना शुरू करेंगे, रुडोल्फ स्टीनर का जो वीडियो है, या इरविन के वीडियो हैं, ग्रेग ब्रैडन के वीडियोस हैं, स्लोली कभी कभी आप उनको देखेंगे या सुनेंगे या अपने अंदर जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि अभी भी बहुत बहुत जरूरत है बदलाव की हमारे अंदर। क्यों? क्योंकि हमारा 50% जो पार्ट है वो हमारा जेनेटिक फील्ड में जो हमने चिपका रखा है उसको तोड़ना मुश्किल है। उसको तोड़ने के लिए हमें अपने अंदर जाना ही पड़ेगा, तब जाके कहीं हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो हमारा धीरे धीरे इवॉल्व होगा। और सेंसिंग, फीलिंग, थिंकिंग, फिर थिंकिंग आता है कि हम हमारे विचार आते हैं फीलिंग्स के बाद। तो जो फीलिंग है उसका एक अलग बॉडी है, हमारा थिंकिंग का बॉडी बिल्कुल अलग है। और फिर उसके बाद आता है आपकी इंट्यूशंस। वो कहते हैं ना कि बचपन में तो इंट्यूशंस होती थी, तो इंट्यूशंस को हम मार देते हैं। और हमारी जो इनसाइट्स हैं, इंट्यूशंस हैं, जब तक इंट्यूशंस नहीं होंगी जब तक हमारा कॉन्शियसनेस, हमारा चेतना विकास नहीं कर सकता। इंट्यूशंस, यू जस्ट लिसन योर ओन हार्ट साउंड, लिसन योर ओन वॉइस, इनर वॉइस। जब तक हम अपनी अंदर की आवाज सुनने की, बाहर बहुत क्योस है, भीड़ भड़ा का विचार, ये दूसरे लोगों का हम इंफॉर्मेशन, ये वो करते रहते हैं, और जब अंदर की आवाज है वो मर जाती है, दब जाती है, जिसको हम अनकॉन्शियस फील्ड में पड़ी रहती है। जो जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी कॉन्शियसनेस की डेवलपमेंट के लिए, इनसाइट्स, इंट्यूशंस आती हैं पकड़ में, लेकिन फिर हम उसको छोड़ देते हैं। इनसाइट आती है कि अच्छा बेटा थक के आया है, चलो उससे प्यार से बात करनी चाहिए, लेकिन एकदम से माहौल बदलता है और जो हमारा इंट्यूशन है वो भी बदल जाता है। छोड़ो क्या रखा है इन चीजों, हम एकदम से बदल जाते हैं। अभी और गेस्ट आए हैं, चलो आज तो हम बहुत अच्छा सा खाना बनाएंगे, फिर देख क्या दिया इन्होंने मुझे, अंदर से एक और आवाज आई, कुछ नहीं दिया इन्होंने, ठीक है जैसे सर्वेंट ने बना दिया बना दिया, क्या रखा है इन चीजों, मैं तो अपना मेडिटेशन करूंगा, मुझे तो अपनी किताब पढ़ना ही। नो 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 नो, ये चीजें प्रैक्टिकली भी सीखनी है, जो थ्योरी है वो प्रैक्टिकल आना ही चाहिए, अपनी इनसाइट्स, इंट्यूशंस को डेवलप करना ही चाहिए, अदरवाइज हम अधूरे हैं, और अधूरे हैं तो हम शाश्वत नहीं है, हम शाश्वत नहीं बन सकते, क्योंकि हमें ये सारी चीजें यहीं पर सीख कर जानी है। एक बार अंदर से आवाज आती है, कोई गेस्ट आता है, कोई थका हारा आता है, या हमारा दिल करता है कि चलो आज हम अपना जाकर हम खुरपा चलाते हैं, पेड़ों को देखते, फिर सोचते हैं नहीं नहीं माली ने तो आना ही, छोड़ो क्या करना है। बस पल भर में जो इंट्यूशन आए, इंसाइट आई, उसको हमने मार दिया और हमारे मन का आवरण ऊपर आ गया, हमारा थिंकिंग ज्यादा हमारे ऊपर हावी हो गया, और हावी होने के बाद हमने जो हमारे इंट्यूशन था, जो हार्ट से एक आवाज निकली थी, वो हमने खत्म कर दी। और फिर हम क्या चाहते हैं, आज हम 1 घंटा मेडिटेट करके और हम अपनी एनलाइटनमेंट, मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं। होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि थ्योरी नहीं चलती है, ऊपर प्रैक्टिकल चलता है। थ्योरी हो गया तो आप अपनी, हम सब मतलब अपनी इंट्यूशंस को पकड़ना सीखें। अगर हम उस कॉन्शियसनेस में हम हमेशा एक ऐसे जीना चाहते हैं, खुशी से, हैप्पीनेस, कॉन्शियसनेस इक्वल टू लव। यू आर, एरविन लेस्लो का जब आप सुनेंगे, वो कहते हैं आई एम इटसेल्फ एक्सपीरियंस, ऐसे बोलते हैं, मैं खुद ही एक्सपीरियंस हूँ, एंड यू जस्ट द आई एम एंजॉयिंग द वर्ल्ड, ऐसे बोलते हैं, मैं उसी को एंजॉय कर रहा हूँ।
दुख है, सुख है, पेन है, सफरिंग है, मुझे नहीं पता है, बट आई एम एक्सपीरियंसिंग, मैं खुद आई एम एन एक्सपीरियंस, उस पल में मैं बस एक अनुभव हूं। क्यों? क्योंकि अगर हम थ्योरी 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 और प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो भी हम मिस कर देते हैं। एक जीवन बहुत कुछ बदलाव ला सकता है हमारे अंदर, बहुत कुछ बदलाव। लगभग जब मैं कॉजल बॉडी एंड द ईगो और थ्री पोल को पढ़ रही थी तो, और डिजायर्स की बात थी कि हम कहीं अपनी इच्छाओं को रखते हैं और उसके बाद हम एक्सपीरियंस करते हैं और उसके बाद ज्ञान आ जाता है, हमारे पास विजडम आता है, तो उसके बाद हम क्यों चिपकते हैं। वहां से एक शिक्षा ली कि अब ये चिपकना हो गया, बहुत, छोड़ो। क्या हम डिटैच होकर, क्या हम लव को सीख सकते हैं, डिटैचमेंट के साथ लव, प्रैक्टिस इट। थ्योरी अलग है, जब हमने पढ़ा कि ठीक है खलील गिब्रान का, अगर आप वीडियोस देखेंगे और खलील गिब्रान को पढ़ेंगे तो उनकी जो बातें हैं बिल्कुल अलग है, कि लव, जो लव है, इट इज अनलिमिटेड एंड इट इज नॉट रैप्ड विद एनीथिंग, बट हम उसको अटैचमेंट्स के साथ रैप करके रखते हैं, इसीलिए दुख आ जाता है। बच्चा बाहर चला गया, छोड़कर चला गया, या बच्चे ने अपनी जिंदगी संवार ली और माँ बाप तड़फते रहते हैं कि बच्चा देखो गया, बच्चा गया, बच्चा गया, बिकॉज हम सही में प्यार करना नहीं जानते। तो इसीलिए हमें उस साइंस ऑफ मैनिफेस्टेशन, हमें, हम किस प्रकार से अपने विचारों को, अपने एक्शंस को कैसे बनाएं एक मीनिंगफुल इवेंट घटित हो, हमारा एक मीनिंगफुल हो लाइफ, कि जिसमें दूसरे कहें कि हाँ, शी हैज और ही हैज डेवलप्ड द आर्किटेक्चुरल क्वालिटीज, इनके पास अब एक इंसाइट है। उस इंसाइट और इंट्यूशन के माध्यम से हम उस आर्किटेक्चुरल क्वालिटी को जिंदा कर सकते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी है। प्यार का सागर, करुणा का सागर हमारे पास है, लेकिन हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं। अब प्यार कोई जरूरी नहीं है कि अपने रिलेशनशिप में ही करें, पेड़ पौधे बहुत बहुत, पूरा पूरा वर्ल्ड वेट कर रहा है हमारे प्यार की, पूरा वर्ल्ड वेट कर रहा है हमारे करुणा की, वह हमें ही अंदर से बदलने की जरूरत है। ओके, तो इसी कड़ी को हम कल आगे बढ़ाएंगे और प्रैक्टिस करते रहिए। थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों बहुत इम्पोर्टेंट हैं। थ्योरी हमें पता लग जाती है, लेकिन इनसाइट तक पहुंचते पहुंचते सेंसिंग, फीलिंग, थिंकिंग एंड इंट्यूशंस, इनसाइट्स, तो इनसाइट इज द हायर स्टेट, तो हमें हायर स्टेट की तरफ बढ़ना है। एंड आफ्टर दैट क्या है? कुछ भी नहीं है, उसके बाद तो कॉन्शियसनेस है, एंड वी आर जस्ट लाइट बीइंग। और वो लाइट बीइंग बनने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो अपने आप को तराशना ही पड़ेगा, और जब हम अपने आप को तराशते हैं तब जाके हम वो एक, वो कहते ना कि बस अब तो महात्मा बुद्ध का एक स्टेच्यू देखने से ही शांति मिल जाती है, हनुमान जी का एक स्टेच्यू देखने से ही शांति मिल जाती है। क्या है सब मूर्तियों के अंदर? है क्या उसके अंदर? वो प्योर कॉन्शियसनेस है जिसको देख के हमें हीलिंग मिलती है। वो हीलिंग बिना बोले मिलती है, क्यों? क्योंकि उनके अंदर और कुछ है ही नहीं, दैट इज द एम्प्टीनेस, खालीपन है बस, और कुछ नहीं है उनके पास। वो कहते हैं कि बस अब आपको इवॉल्व होना है, हम तो हो चुके हैं, जैसे भगवान कृष्ण बोलते हैं, अब मेरे पास इन तीनों लोगों में करने के लिए कुछ नहीं है, मैं तुम्हारे लिए आया हूं। तो सेम इसी तरीके से हमें भी अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है, इवॉल्व करना है, और वहां तक, उस सीढ़ी तक पहुंचना है जहां पर हम उसी आत्मा के लोक में
जहां पर सिर्फ 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 कॉन्शियसनेस है, आदि प्लेन है, वहीं तक वापस जाना है। चॉइसेस हैं, हम खुद आते हैं, वी चूज कि हाँ ये जीवन मुझे जीना है और कर्म का थ्योरी खत्म करना है। तो कर्म का थ्योरी कैसे खत्म होगा? वो खत्म होगा जब हम एक एक विचार को देखेंगे कि क्या ये मेरा विचार मीनिंगफुल है या नहीं है।